हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में छंद्र बिंदु वाले मात्रा के शब्द पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम अनुनासिक बोलते हैं। छंद्र बिंदु अनुनासिक, जैसे जब हम चांद लिखते हैं तो हम चांद पे क्या करते हैं, छंद्र बिंदु क्यों बोला जाता है, ऐसे चांद बना होता है, ठीक है, और उस पे ऐसे बिंदी लगी होती, इसलिए हम छंद्र बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब चांद अगर लिखना है तो च चपी आ की मात्रा धन चंद्र बिंदु धन द बराबर चांद। आप लोग मेरे साथ पढ़िए इसे, इसे किस मात्रा के नाम से जानते हैं, चंद्र बिंदु के, किस नाम से, चंद्र बिंदु। तो अगर आप चंद्र बिंदु लगाए तो क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, ठीक है। देखिए त तपे आ की मात्रा धन द धन ग ग पे आ की मात्रा क्या हो जाएगा, तांगा। ट टपे आ की मात्रा धन चंद्र बिंदु धन ग बराबर टांग। अब देखिए नेक्स्ट है मा, मपे आ की मात्रा धन चंद्र बिंदु बराबर मा। ऊ बड़ा ऊ धन चंद्र बिंदु धन ट बराबर ऊंट। स, सपे आ की मात्रा धन चंद्र बिंदु धन प सांप। अब हमें इसी तरह से पढ़ना है, सारे शब्द को पढ़ना है, जैसे हम पढ़ रहे वैसे पढ़िए। द दपे आ की मात्रा उस पे चंद्र बिंदु त क्या हो गया, दांत। फिर सांप, आंख, चांद, बांध, गांव, अंगीठी, बांसुरी, अंगूठी, चांदनी, पहुंची, सांवली, लंगड़ी, अंधेरी, माँ, गेहूं, ऊंट, सूंड, ऊंचा, कुआं, अंधा, खुशी, सॉरी ये दिख नहीं रहा है क्या, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, अंगड़ाइयां, फसी, खूखार, तितलियां। इस तरह से आप सारे शब्द को चंद्र बिंदु की सहायता से, जैसे ये आपका जो ऐसे चांद बना है तो इस पे ये चंद्र हो गया, और जो इस पे बिंदु है ये चंद्र बिंदु हो गया, ठीक है। तो अंक की मात्रा आप पढ़ते ही हो, और जब हम उस पे चांद को ऐड कर देते हैं तो ये कौन सा मात्रा हो जाता है, चंद्र बिंदु। इसे आप अच्छे से पढ़िएगा और अपनी कॉपी पे अंक की मात्रा वाले 20 शब्द साफ सुथरा लिखिएगा, ठीक है। और जब ग्रुप खुले दूसरे दिन तो आप उसमें होमवर्क डेली भेज दिया करिए, जब आप अटेंडेंस लगाते हो तभी होमवर्क डेली का डेली सेंड करोगे, ठीक है। धन्यवाद।